जंगल टू ग्रेवियार्ड में जगह है, खंडर जैसी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जगह देख रहे हैं आप, इतनी डरावनी है। और ये नदी, रात होए जा रही है, ये देख लो भाई, थोड़ा सा डर भी लग रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वज़ीर अहमद जोक्यो। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से हैं हमारे साथ साबिर भाई। भाई आज की तफरी कुछ ऐसी है कि जंगल टू ग्रेवियार्ड थंबनेल से आप समझ गए होंगे। तो भाई ठंड अच्छी खासी है और हम लोग जा रहे हैं अभी ग्रेवियार्ड की तरफ, बोले तो कब्रिस्तान की तरफ। जगह हाँ, आपको मैं एक सामने जगह है खंडर जैसी, वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई, ये जगह देख रहे हैं आप, इतनी डरावनी है। अबे क्या बोलते हैं, अंदर खिड़की से मूवी बना ले वीडियो, दिखा दो जब अंदर। हाँ ना, पुरानी जगह है ये, तो जगह आप सबको पता होगा कि कौन सी जगह है, यहाँ पे बकरियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। और ये खासकर वीडियो बनाने के लिए साबिर, ये देखो टॉर्च लाया अपनी साइकिल से निकाल के, हमने बोला रात का वक्त हम लोग आपको फ्लैश का मज़ा नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग लाए हैं। और ये मेरी सेकंड नाइट व्लॉग है शायद, हाँ ना साबिर? हाँ सेकंड, पर वो शेर में उसको छोड़ दो, ये अलग से आप सीरीज। अच्छा, ये भाई अलग से सीरीज है। तो भाई अभी नदी भी आ गई है, नदी भी क्रॉस करनी है, फिर जंगल से जाना है और देखते हैं। हाँ भाई, ये वीरानी जगह है, देखो यहाँ पे इतना वो नहीं आबादी, पर इस वीराने में भी कोई लोग बना रहे जगह। हाँ यहाँ पे भी देखो लोग जगह बना रहे हैं, देख लो भाई। और ये नदी, रात होए जा रही है, ये देख लो भाई, थोड़ा सा डर भी लग रहा है भाई, अजीब लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा भाई, अल्लाह बेहतर करेगा, इतना भी डर नहीं है। हाँ ये तो भाई कोले उसमें, वो हमारे सिंधी में शेर पुटरे, रात को अकेला साइकिल चलाते वहाँ से आ गया, इतना दूर से ये आवाज़ सुन रहे हो? पानी का आवाज़ है, वो सामने ताते रहे, देख रहे भाई। हाँ भाई पूरा एक्सपीरियंस लेंगे रात का, और ये जाने का हमारा ख़तरनाक तरीका, रास्ता हमारा ख़तरनाक, पुल ओहो तो बड़ा मसले वाला काम है। हिल रहा तो नहीं भाई ये? अल्लाह अकबर। चलो जी, मिशन सक्सेसफुल रहा नदी को पार करने का। वो देखो, हाँ देखो अभी थोड़ा घना उजाला, सूरज अभी अभी गुरूब हुआ है और हम लोग निकल गए। अभी साबिर गया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए, तो साबिर नमाज पढ़ते ही आ गया, मैंने उसको मिस कॉल दे दी थी, मैं वहाँ होटल पे गया चाचू की, वहाँ पे ये देख रहा हूँ आ रहा है, तो मैंने बोला आजा भाई क्या है साहब, इसने बोला चलो आज एक नया एक्सपीरियंस ट्राई करते हैं। और ये देखो भाई झाड़ियाँ, रात का टाइम, और सामने देखो पीएफ की लाइटें जल रही हैं, बड़ा मस्त नज़ारा है। और जंगल कटा है भाई, फटी बड़ी है मेरी तो सीधी सी बात है। रात का वक्त है भाई, डर लग रहा है, हालत टाइट है यार, हालत टाइट है। तो भाई फ्रंट कैमरा तो काम कर ही नहीं रहा इतना उसकी फ्लैश, और तो साबिर लाइट मार रहा है, मुझे सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जा रहे हैं आगे, और कुछ अजीब सा महसूस भी हो रहा है, डर लग रहा है, नवर नहीं हो रहा है।
और नहीं हो रहा चलो मेरा। और ठंडी भी भाई बहुत है, रात का वक्त है, जैकेट भी नहीं पहन के। देखो वही हालत है जो पिछली वीडियो में देखी थी, वो तो शेर था वहाँ, डर नहीं लग रहा, नहीं डर लग रहा था यहाँ पे थोड़ा। फिर भी इन्होंने थंबनेल में क्या डर लग रहा है, डर लग रहा है। और रात का वक्त था, वहाँ से जा रहे थे तो भाई ये तो जंगल है, यहाँ पे स्लोप भी होती है, तो देख रहे हो। एक मिनट में पीछे से बना दूँ, देख लो। ये देखो इसके हाथ में ले दो, ये देखा इसका वो साइकिल का हॉर्न है। भाई आगे चलते हैं, अच्छे बात करते रहेंगे। अभी मजा नष्ट है, ये पूरा हमारा इलाका है और हम इलाके के इस तरफ जंगलों में घूमने वाले हैं। आप लोग भी बोलते हो गए यार कि अजीब लोग हैं, ज़्यादा जंगलों में घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बस भाई यही जिंदगी हमारी, कोई दिन हमें भी इसको सर है कैसे साबित मज़ा है रात का वक्त है। और मेरे ख्याल से हमने तीसरी चौथी मरतब ही आए ना रात को इस जगह, पहले हम लोग आते थे तो वो उतना वो नहीं मिलता मतलब काफ़ी नहीं था। और एक मरतब आए थे हम, हाँ, और डर के हम भागे भी थे याद है। कसम से गाइस यकीन करो, हम लोग यहाँ पे आए थे वो आधे तक गए थे ठीक है, काफ़ी पुरानी बात है, हम आधे तक गए थे और वहाँ से ईशा के टाइम पे आए थे, और अभी मगरिब हुई अभी तो वहाँ पे हम आधे तक आए थे। आधे से भाई अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं वो जानवर वानवर होंगे, कुत्ते वुत्ते या कुछ होंगे। और हम लोग एसी हमने स्पीड लगाई जिसकी कोई हद नहीं होती, फुर हाँ सवेर याद है ना, बचपन के दिन भाई हमारे मस्त गए अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में। हाँ ये नहीं कि हम नौजवान थे हट्टे कट्टे ये वो, नहीं बचपन में ही रिस्की, हाँ 14-15 साल हमारी उम्र थी, तो भाई ये रिस्की काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसों में भरा हुआ है। हम अभी से नहीं कर रहे, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। आगे चले जा रहे हैं, यहाँ पे भी आबादी बन गई। और वहाँ पे यार एक पार्क है, सारे आप लोगों ने उसकी वीडियो बनाई होगी, कब अपलोड करोगे? बस ये कल के बाद जो हफ्ता शुरू हो रहा है। अच्छा चलो उससे मंगल को, चलो मेरी मेरे मंगल के मेरी तो वीडियो कल के मंगल के भी बाद आएगी, तो उस वीडियो का ही भाई वो, अगर वीडियो मेरी वीडियो का लेट आ रही है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये लोग पार्क में गए, और मेरा भी इरादा है कि उस पार्क के अंदर जाने, ये अंदर नहीं गए थे, ये बाहर से वीडियो बना। मेरा भी इरादा है कि उस पार्क के अंदर जाके वहाँ की एक वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। बाकी आगे चल रहे हैं, आगे देखो क्या होता है, जो होगा मंजूर है खुदा वही होगा। आगे ग्रेवयार्ड भी है, कब्रिस्तान, तो वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ भी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। बाकी हाँ उस जगह आ गए इंशाल्लाह, तो चलते हैं वहीं पर ही, आगे आगे वीडियो बनाते हैं, यहीं पर ही हमारी वीडियो लंबी होती जाएगी। भाई ये कुत्ते को देख के मैं तो डर गया, मैंने बोला ये काट पीछा कुछ नहीं है। अभी देखो इसकी आंखें कैसे चमक रही थी, देखो देख रहे हो कैसे चमक रही है इसकी आंखें रात के वक्त, देखो कुत्ते पे भी वीडियो बनेगी भाई। चलो आगे चलते हैं, तो भाई हम लोग नदी से फिर जा रहे हैं, और आगे से देख रहे हो गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी जा रही हैं पीछे लिए। मेरी तो हालत टाइट हुई बड़ी थी, मैंने बोला साबिर चल भाई आवाज़ें आ रही है।